नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। देश में 21 दिन के लॉकडाउन होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों की व रोजगार की तलाश में निकले लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर दिल पसीज जाता है। दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं, कोई यूपी में इटावा, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, तो कोई बिहार, कोई कहीं तो कोई कहीं के लिए निकल पड़ा है, और वो भी पैदल, भूखा प्यासा, ऊपर से सर पर गठरी का बोझ लिए हुए। हमारे संवाददाता ऋषि शर्मा ने इन लोगों से बात की और जाना कि आखिर ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शर्मा नाम है, राजकुमार, हम दिल्ली से आ रहे हैं। ये बताइए कि आप इस समय यहां पर क्या कर रहे हैं, जबकि सभी अपने घरों पर? हाँ जी, इस समय सभी अपने घरों पर हैं। हाँ जी, कहा गया है कि आप लोग घर पे रहिए, लेकिन आप इस समय रोड पर क्यों हो रहे हैं? साथी आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर हमें प्रॉब्लम है सर, दिल्ली से खाना नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा है, रोड पे रह रहे हैं, इसीलिए मजबूरी में चलना पड़ा वहाँ से। आपको कहीं रोका नहीं गया? रोका गया, मतलब फिर बताया कि मैं मजबूरी है, खाना पीना नहीं मिल रहा, इसीलिए हम वहाँ से निकले हैं। तो अभी आप घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, संत कबीर नगर। तो आपको लगता है कि घर जाके सारी चीज़ें सुधर जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं सुधरेंगी। तो आप घर जाने से पहले अपना जांच कराएंगे कोरोना की? हाँ हाँ कराएंगे। ये आपको बताया गया या आपने खुद से? नहीं, स्वयं बोल रहा हूँ मैं तो। स्वयं बोल रहा हूँ जी। कहाँ जा रही है? आपका नाम क्या है? मेरा राजा राम सर। राजा राम जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली कीर्ति नगर फर्नीचर ब्लॉक से आया हूँ सर। तो वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ मैं फर्नीचर बनाता हूँ। तो जैसे हमारे पीएम मोदी जी ने बोला कि अगर आपका सहयोग मिलता है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप ही ढील पड़ जाओगे तो हम भी ढील पड़ जाएंगे, इसलिए सुख हो और दुख हो उनका साथ देना जरूरी है। इसलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पर रहेंगे, बेरोजगार हो गए हैं, काम धंधा तो बंद है 3 महीने के लिए, इसलिए हम लोग ने प्लान बनाया कि चलते हैं घर पे, कम से कम नमक रोटी तो मिलेगी। हाँ पहुँचते ही रास्ते में शायद हो जाए, ये कराना आवश्यक बात है। पूरे परिवार को दिक्कत है सर इस कोरोना से, हमें थोड़ी दिक्कत है, हम जाएंगे मतलब एक को होगा, पूरे परिवार को दिक्कत आएगी, पूरे गांव को दिक्कत आएगी, पूरे जिले में दिक्कत आएगी, पूरे देश की दिक्कत आएगी सर, इसके लिए हम परेशान रहेंगे, जांच कराना सही रहेगा। विजय सारनी, कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। बस मजदूरी करते थे। आप रास्ते में लौटे तो कहीं पर आपको रोका? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने को आपको मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। कौन से लोग हैं जो आपको खाना खिला? बस आप ही लोग हैं, जैसे आप मिले तो लखनऊ में खाली मिला है, सिर्फ लखनऊ में मिला है सर, दिल्ली चले यहाँ तक खाली सिर्फ लखनऊ में मिला है। सीतापुर में भी पूछे, सीतापुर में पुलिस वाले लगा रखे थे, वो बोले कि थोड़ी देर रुकिए, तो हम लोगों को भाई जाना दूर था, तो हम लोग चले आए वहाँ, मतलब यूपी में घुसते ही जगह जगह मिला। मैं बहुत कठिन हुआ था, मैं एक गाजियाबाद से, दिल्ली से पैदल गाजियाबाद तक आया हूँ, और वहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिली, मतलब मिली है जाके बहुत दूर जाके, मेरे को नहीं पता है, मतलब पुलिस अफसासन बहुत बढ़िया है, फिर क्या नाम, खाने पीने की कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, लेकिन जितना भी ये प्राइवेट गाड़ी चल रही है इतना लूटते हैं कि मतलब अब जिसके पास पैसा नहीं हो रास्ते में, वो इतना, मतलब मैं 3 गाड़ी चेंज करके आया हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं होता तो मैं मतलब अब रास्ते में रो दिया हूँ, अब क्या बताऊँ, इतना अफसोस हुआ मेरे को, मतलब अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। तो यही कहना चाहता हूँ बस, ये प्राइवेट गाड़ी जितने हैं ड्राइवर ना लूटते हैं कि अब क्या बताएं। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार राहत देने की योजनाएं बनाकर राहत दे रही है, तो लोग जहां है वहीं ठहरने को आखिर तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? जाहिर है बातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, योजनाएं भी बन रही हैं, आदेश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन आदेशों की कोई सुनवाई या कोई असर शायद नहीं दिख रहा, और तभी ये लोग अपने अपने घरों, अपने अपने गांवों को पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखते रहिए आईबीएन भारत, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।